हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 7 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन था, द एस्ट्राव्याट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट बाय विच कंट्री। जो एस्ट्राव्याट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रशिया। जो एस्ट्राव्याट न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको रशिया के द्वारा बनाया गया है। ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा बेलारूस का, जो कि अभी हाल ही में ऑपरेटिंग हुआ है। अब हम कुछ फैक्ट देख लें तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल मॉस्को और करेंसी रशियन रूबेल है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, कैपिटल पेरिस है और करेंसी यूरो व सीएफपी फ्रैंक है। नॉर्वे के पीएम इरना सोलबर्ग है, कैपिटल ओस्लो, करेंसी क्रोन। नाउ लेट्स बिगिन आवर करेंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 7 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 नवंबर इज ऑब्जर्व एज, 7 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड ऑर्फेन डे, ऑप्शन सी न्यूम्बर्ट डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी न्यूम्बर्ट डे। 7 नवंबर को हम न्यूम्बर्ट डे मनाते हैं, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन के यूनिक मैमल एम्बलेप के लिए, और ये इनकरेज करता है कि हम कंजर्व करें इस स्पीसी को। तो प्रोजेक्ट नंबर इंक्लूसिव है, ये एक वॉलंटियर रन किया हुआ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्रमोट करता है कम्युनिटी अवेयरनेस को और इन्वॉल्वमेंट इन कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन यूनिक मैमल एम्बलेप को। ठीक है, अब जो आपका ऑप्शन था वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ये 5 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और वर्ल्ड ऑर्फेन डे 9 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली एडीबी अप्रूव 132.8 मिलियन US डॉलर लोन टू मॉडर्नाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन विच स्टेट। तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है 132.8 मिलियन US डॉलर का लोन मॉडर्नाइज करने के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, किस स्टेट में। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने अप्रूव किया है 132.8 मिलियन US डॉलर का लोन ताकि मॉडर्नाइज किया जा सके पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मेघालय पे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो इम्प्रूव करना पावर क्वालिटी को और अपग्रेड करना पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मेघालय पे। लोन जो है वो इंक्रीज किया जाएगा 2 मिलियन US डॉलर तक फ्रॉम जापान फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन ऑफ एडीबी के तरफ से। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मैंडल योगोंग फिलीपींस में है, और इसके प्रेसिडेंट मसद सुगु असाकावा है। जो इसके मेंबरशिप है 68 कंट्रीज इसके मेंबर है, जिसमें कि इंडिया भी है, और जो एडीबी था वो बना था 1966 में। मेघालय के सीएम कॉनराड कोंकल संगमा है और गवर्नर सत्यपाल मलिक है। ठीक है, और नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो और गवर्नर आर एन रवि, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू और गवर्नर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु लॉन्चेस रुपे फेस्टिव कार्निवल फॉर रुपे यूजर। किसने लॉन्च किया रुपे फेस्टिवल कार्निवल को रुपे यूजर्स के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनपीसीआई, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एनपीसीआई, ताकि बूस्ट किया जा सके कस्टमर को, एक नया तरीका दिया जा सके फेस्टिव सीजन पे। जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने लॉन्च किया है रुपे फेस्टिव कार्निवल, जो कि एक फ्लैगशिप कैंपेन होगा रुपे यूजर्स के लिए। जो रुपे यूजर्स है वो इस लॉन्च के बाद एंजॉय करेंगे बहुत सारा बेनिफिट और अट्रैक्टिव डिस्काउंट मिलेगा उनको प्रोडक्ट में वेरियस कैटेगरीज के। इसका मकसद क्या है, तो इनकरेज करना सेफ कॉन्टैक्टलेस एंड कैशलेस पेमेंट, और ऑफर करना एक नया तरीका ताकि इन्हेंस किया जा सके जो यूजर का ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस है उसको। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो रुपे फेस्टिवल कार्निवल, जो रुपे कार्ड होल्डर होंगे उनको अट्रैक्टिव ऑफर मिलेगा, जैसे कि हेल्थ सेक्टर पे फिटनेस हो गया, एजुकेशन हो गया, ई कॉमर्स हो गया, डाइनिंग, फूड डिलीवरी एंड सो ऑन। ये जो है लिवरेज करेगा मोर देन 600 ऑफर्स को जब हम शॉप करेंगे अलग अलग ब्रांड में। तो डिस्काउंट है वो 10% से लेकर 65% तक होगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ जो है दिलीप आसबे है। इसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है, और इनकॉर्पोरेट किया गया था इसको 2008 में अंडर प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक पे है। आईसीआईसीआई के सीईओ संदीप बख्शी है, इसका रजिस्टर ऑफिस वडोदरा गुजरात में है और कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु एडॉप्टेड 2 इंडिया स्पॉन्सर रिजोल्यूशन ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। किसने अडॉप्ट किया है 2 इंडिया स्पॉन्सर रिजोल्यूशन को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ऊपर। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडीबी, ऑप्शन बी यूएनजीए, ऑप्शन सी आईएसए, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूएनजीए। जो फर्स्ट कमिटी था यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली यूएनजीए का, उसने जिसको कि हम डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमिटी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया है टू इंडिया स्पॉन्सर रेजोल्यूशन ऑन न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, जिसका एम क्या होगा तो रिड्यूस करना रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट को एंड कॉल फॉर प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कि प्रोहिबिट करने की बात कर रहा है न्यूक्लियर वेपन को और रिड्यूस करने की बात कर रहा है जो रिस्क है न्यूक्लियर एक्सीडेंट के कारण। जो दो एडॉप्टेड रेजोल्यूशन है वो कौन कौन से है, पहला कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन और दूसरा रिड्यूस न्यूक्लियर डैमेज अंडर न्यूक्लियर वेपन क्लस्टर। अब 75th यूएनजीए जो है फर्स्ट कमिटी के चेयरपर्सन एची मिस्टर ऑगस्टिन सेंटोस मारोवर है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्ममेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये के डायरेक्टर जनरल यूनाइटेड नेशन ऑफिस के जेनेवा, जो कि सर्व कर रहे हैं सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल पे। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो पलाइस डेथ नेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड पे। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेडक्वार्टर मैंडिलियोंग फिलीपींस में है और मसात्सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट है एडीबी के और चेयरपर्सन भी। अब आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये एक अलायंस है 121 कंट्रीज का जिसको कि इनिशिएट किया गया था इंडिया के द्वारा। ज्यादातर कंट्रीज जो है वो सनशाइन कंट्रीज है विच लाई आइदर कंप्लीटली और पार्शली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑन कैप्रिकॉन। जो हेडक्वार्टर है आईएसए का वो लोकेटेड है गुरुग्राम इंडिया पे। इसको फाउंड किया गया था 30 नवंबर 2015 में। इसके डायरेक्टर जनरल उपेंद्र त्रिपाठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली विच कंट्री एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल टोकिया हेल्ड देयर एनुअल पॉलिटिकल डायलॉग इन वर्चुअल मोड। अभी हाल ही में किस कंट्री ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ मिलकर एनुअल पॉलिटिकल डायलॉग हेल्ड किया है वर्चुअल मोड पे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। जो इंडिया है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ट्रोइका है उन्होंने हेल्ड किया एनुअल पॉलिटिकल डायलॉग वर्चुअल मोड पे। जो लीडर है उन्होंने डिस्कस किया, डिटेल रिव्यू किया जो इंडिया और गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल का टाइज है और हाईलाइट किया है जो प्रोग्रेस इन दोनों के बीच में कुछ सालों पे हुआ है। डॉक्टर एस जयशंकर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वो लीड कर रहे थे इंडियन डेलीगेशन को और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल था उसको रिप्रेजेंट किया गया था ट्रोइका लेवल पे डॉक्टर नायफ फला एम अल हैफत जो कि सेक्रेटरी जनरल है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, डॉक्टर अब्दुल्ला अतीब बिन रशीद अल जयानी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है बहरेन, डॉक्टर अनवर बिन मोहम्मद गरगस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स यूएई। अब हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में जान लें, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है 6 कंट्री का अरेबियन पेनिनसुलर पे। इसके सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नायफ फला एम अल हरफ है। इसके मेंबर्स जो है बहरेन कुवैत ओमान कतार सऊदी अरेबिया एंड यूएई है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में और इसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया पे है। अब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान है और कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रूपी। तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब इरोडगन है, कैपिटल अंकारा और करेंसी तुर्किश लैरा। इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली और करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री होस्टेड 8 मीटिंग ऑफ इंडिया यूएई हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट। किस कंट्री ने होस्ट किया है जो 8 मीटिंग हुआ इंडिया यूएई का हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया ने होस्ट किया 8 मीटिंग जो हुआ है इंडिया यूएई हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कि वर्चुअली हुआ है क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। ये जो मीटिंग था उसको चेयर किया गया है पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और साथ साथ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी देख रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ। जो हाइनेस है शेख हमीद बिन जैयद अल नायरन जो कि मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इमारत ऑफ अबू धाबी है, उनके द्वारा जो दोनों कंट्री वो तैयार हुए है कि वो फर्दर एक्सप्लोर करेंगे वेज ताकि फैसिलिटेट किया जा सके इन्वेस्टमेंट को किस सेक्टर्स में इंडिया और यूएई के, ताकि और मजबूत किया जा सके इकोनॉमिक टाइज इन दोनों कंट्री के बीच में। अब यूएई का कैपिटल अबू धाबी और करेंसी यूएई दिरहम। इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली और करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल मॉस्को और करेंसी रशियन रूबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु साइन मऊ विथ जेडी सेंटर ऑफ अर्थ टू प्रिजर्व ट्राइबल क्राफ्ट ट्रेडिशन थ्रू कोलैबोरेशन। किसने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ जेडी सेंटर ऑफ अर्थ ताकि वो प्रिजर्व करे जो ट्राइबल क्राफ्ट ट्रेडिशन है कोलैबोरेशन के साथ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्राइफेड,
ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी आईसीएआर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड। उन्होंने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद जेडी सेंटर ऑफ आर्थ जेडीसीए ताकि वो कोलेबरेट करे ज्वाइंट सोशियो कल्चरल रिसर्च वर्क पे और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी पे ट्राइबल आर्ट और ट्रेडिशन के ऊपर ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन पे इंडिया के। जो कोलेबरेशन है उसका मकसद है कि प्रिजर्व किया जा सके आर्ट क्राफ्ट ट्रेडिशन को ट्राइबल कम्युनिटीज के। जो प्रवीर कृष्णा है वो एमडी है ट्राइफेड के और जतीन दास फाउंडर और चेयरमैन है जेडी सेंटर ऑफ आर्ट। इन दोनों ने साइन किया है मऊ वर्चुअल सेरेमनी पे। अब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड, इसके एमडी प्रवीण कृष्णा है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 1987 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। जेडी सेंटर ऑफ आर्ट, इसके फाउंडर और चेयरमैन जतीन दास है, हेडक्वार्टर भुवनेश्वर ओडिशा पे है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि वो अचीव कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, साथ साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर कर सके, इन्वॉल्व करे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस पे और बॉटम अप अप्रोच पे इनका फोकस हो। इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है, चेयरमैन नरेंद्र मोदी है और सीईओ अमिताभ कांत। ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि कोऑर्डिनेट करता है, गाइड करता है और मैनेज करता है रिसर्च और एजुकेशन को एग्रीकल्चर के फील्ड पे इंटायर कंट्री पे। किसके अंदर? तो एजिस ऑफ जेयर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। इसके चेयरमैन डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु टाई अप विथ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस टू इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी, किसने टाई अप किया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ ताकि इम्प्रूव किया जा सके ऑपरेशनल इफिशियंसी को? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए NHAI, ऑप्शन बी इंडियन रेलवे, ऑप्शन सी AAI, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने टाई अप किया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के साथ ताकि वो इम्प्रूव करे अपने ऑपरेशनल इफिशियंसी को यूज करके डिजिटल टूल जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स आएगा। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है वो एनालिस करेगा जो डाटा जनरेट किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा। इस डाटा को यूज करके इंडियन रेलवे जो है वो प्रोवाइड करेगा पैसेंजर रिलेटेड डाटा, ट्रेन ऑपरेशन रिलेटेड डाटा, फ्लाइट डाटा, एसेट रिलेटेड डाटा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को ताकि वो एनालिस कर सके। एनालिसिस के बाद जो है इंडियन रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पे इंट्रोड्यूस करेगा न्यू ट्रेन के बारे में, प्रिडिक्टिव एसेट मेंटेनेंस के बारे में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इंडियन रेलवे का वो प्लान कर रहा है कि वो सेटअप करेगा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स के ऊपर नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर। अब इंडियन रेलवे के चेयरमैन जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोर्ड के कौन है? तो विनोद कुमार यादव, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनॉमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसको कि सेटअप किया गया था 1988 में। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली है। इसके चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू है। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टेटूटरी बॉडी है जो कि वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ये जो है रिस्पॉन्सिबल है क्रिएट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और मैनेज करने के लिए सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया पे। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1995 में। इसके चेयरमैन मिस्टर अरविंद सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु रिलीज NCAER रिपोर्ट ऑन एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन NMM एंड HPC, किसने रिलीज किया है NCAER रिपोर्ट को जो कि एस्टिमेट करा इकोनॉमिक बेनिफिट जो है इन्वेस्टमेंट का NMM एंड HPC पे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी थावरचंद गहलोत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हर्ष साइंस है हर्षवर्धन, उन्होंने रिलीज किया है रिपोर्ट एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन नेशनल मॉनसून मिशन एंड हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग फैसिलिटीज जो कि प्रिपेयर किया गया था नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा एट फंक्शन एट पृथ्वी भवन न्यू दिल्ली पे। ये जो रिपोर्ट है उसको कमीशन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ये जो रिपोर्ट है वो स्टेट करता है कि फॉर एवरी रुपी स्पेंड बाय गवर्नमेंट ऑन नेशनल मॉनसून मिशन एंड HPC प्रोग्राम ऑन MOES कंट्री गेन इकोनॉमिक बेनिफिट वर्थ 50 रुपीज, यानी जितना भी रुपया खर्च हो रहा है हर एक रुपये के बदले में 50 रुपीज का गेन हो रहा है वो ये बता रहा है, यानी 50 टाइम्स का बेनिफिट हो रहा है इन्वेस्ट करने पे। ये जो रिपोर्ट है ये बताता है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो डायरेक्ट मॉनिटरी गेन है क्रॉप फार्मर्स के लिए, लाइफ स्टॉक रियरर्स के लिए, फिशरमैन के लिए, इस कंट्री के। अब नेशनल मॉनसून मिशन इसके डायरेक्टर प्रोफेसर कौन है? रवि एस नानजून दिया। ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे महाराष्ट्र में।
नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, इसके प्रेसिडेंट नंदन एम नीलेकानी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और थावर चंद गहलोत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, AAI हैंड ओवर लखनऊ एयरपोर्ट टू होम ऑन लीज फॉर 50 ईयर्स। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने हैंड ओवर कर दिया है लखनऊ एयरपोर्ट को किसको 50 ईयर्स के लीज के लिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रिलायंस ग्रुप, ऑप्शन बी अडानी ग्रुप, ऑप्शन सी टाटा ग्रुप, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अडानी ग्रुप। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने हैंड ओवर कर दिया लखनऊ एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का अडानी ग्रुप को लीज के लिए 50 ईयर्स का। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसने साइन किया कॉन्सेशन एग्रीमेंट अडानी ग्रुप के साथ ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए मैंगलोर लखनऊ और अहमदाबाद एयरपोर्ट का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्राइवेटाइज करा 6 मेजर एयरपोर्ट को कंट्री का, कौन कौन से, लखनऊ अहमदाबाद जयपुर मैंगलोर तिरुवनंतपुरम गुवाहाटी। और अडानी जो है उनको राइट मिला है सारे एयरपोर्ट का 50 ईयर्स के लिए। अब अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है, गौतम अडानी इसके चेयरमैन है और करण अडवाणी सीईओ है। रिलायंस ग्रुप का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके चेयरमैन मुकेश अंबानी है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है और हेडक्वार्टर मुंबई पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, असम रूपसी एयरपोर्ट टू स्टार्ट इज कमर्शियल ऑपरेशन बाय। जो असम का रूपसी एयरपोर्ट है वो अपना कमर्शियल ऑपरेशन कब से स्टार्ट कर देगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जनवरी 2021, ऑप्शन बी दिसंबर 2021, ऑप्शन सी जून 2021, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जनवरी 2021। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने स्टेट किया है कि जो रूपसी एयरपोर्ट है कोकराझल डिस्ट्रिक्ट में असम का वो तैयार है अपने कमर्शियल ऑपरेशन के लिए अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के बाय जनवरी 2021 तक। ये जो है असम का 7वां एयरपोर्ट होगा और नॉर्थ ईस्ट का 14th एयरपोर्ट होगा। ये ब्रिटिश इरा एयरपोर्ट है जिसको कि ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट किया गया था वर्ल्ड वॉर टू के समय पे सप्लाई करने के लिए आर्म्स को, मैन पावर को और एम्युनिशन को एलाइड फोर्सेस के लिए। जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो हॉल्ट पर कर दिया गया था 1980 पे। एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है इसका 69 करोड़ रुपीज का इसको रिडेवलप्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। क्या थीम है 2020 के वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे का। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन बी स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, ऑप्शन सी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है ये एक एनुअल डे है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 5 नवंबर को ताकि क्रिएट किया जा सके और रेज किया जा सके अवेयरनेस अबाउट सुनामी को लेके और शेयर किया जा सके जो इनोवेटिव अप्रोच है ग्लोब में ताकि रिड्यूस किया जा सके जो खतरा है सुनामी का। जो पहला सुनामी अवेयरनेस डे था वो ऑब्जर्व किया गया था 2016 में यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उसने कोलैबोरेट किया था यूनाइटेड नेशन सिस्टम के साथ ताकि वो फैसिलिटेट कर सके जो ऑब्जर्वेंस है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे का। जो थीम है 2020 वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे का स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। अब यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसका हेड जो है मैमी मिजुटोरी जो कि जापानीज डिप्लोमेट है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। जो थीम था अर्थ डे 2020 का क्लाइमेट एक्शन, जो आपका ऑप्शन था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2020 का थीम था। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट एमसीक्यू सेशन। ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट का, हु ऑथर द बुक टाइटल जुगलबंदी या बीजेपी बिफोर मोदी। किसने ऑथर किया है बुक जिसका टाइटल है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तमल बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी रणदीप गुलेरिया, ऑप्शन सी विनय सीतापति, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।